मुद्दे की बात करा तो उसमें तुम्हारी रहन के कान पर है। आए दिमाग खराब है नॉनसेंस ही। पागल है, मैं सारे में समझा एक बार। बरन है नून तलो सारे बीच में बोलने की जरूरत थी यार। यार इधर तू दूध दाद प्यादू क्या कर क्या है फिर करो। इनमें से मालूम था मामले क्यों डिस्टर्ब करे हो नीचे पर यार टेलो बता भैया यूट्यूब चैनल पर लोग देखने आए होता तालन दे तालन दे कट मार ले बाद में चलो। तो भाई हाँ मैं बताऊँ था रोज मतलब सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं थारा देसी पत्रकार करूँ और इस टाइम लॉकडाउन जो लागू हो गया है उसकी वजह से एक चीज तो है या अच्छी बात है भाई पूरा का पूरा देश में लॉकडाउन पूरी तरह से उसकी पालना हो रही है, लेकिन इसके गले गले थोड़ी छोटी मोटी समस्या भी गले गले शुरू होगी। वो लाजमी भी है वो समस्या। उसका कारण क्या है मुख्य रूप से जो कारण है क्योंकि जो रोजमर्रा की जरूरत है उनमें कितने कितने बाधा पड़नी थी क्योंकि इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन या ताजुब की बात है भी इतना बड़ा सिस्टम भी कंट्रोल में हो रहा है, अच्छी बात है साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके गले गले एक बड़ी समस्या ये आ रही है जो रोजमर्रा वाली जरूरत की बात है उसमें कुछ लोगों की शिकायत आने लग रही है और वो इन्होंने कहा भाई हमारी शिकायत जेन्युइन है और जय उनके ऊपर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो हमारा जो मान लो जो अपना व्यापार है काम धंधा है उस पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। उसका इलाज भी उन पर है, उसका सोल्यूशन भी है, वो गले गले समाधान भी बतावे हैं। और गले गले एक और समस्या आई है भाई, अपने जब ये लॉकडाउन लागू नहीं आया था उस तक पहले जनता कर्फ्यू लागू हुआ था 22 मार्च का, उस तक पहले 31 तक स्कूल बंद कर दिए थे पूरा हरियाणा की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अब बात करा तो नवोदय है, नवोदय की बात करा तो उसमें मरिए रहन के कान पर है। आए दिमाग खराब है तेरा है नॉनसेंस ही। पागल मैं सारे ने समझा एक बार बराबर है नून चलो सारे बीच में बोलने की जरूरत थी यार। यार इधर तू दूध दाद प्या दो केक रखे अरे फिर करो इन्हें से मालूम था मामले क्यों डिस्टर्ब करे हो नीचे पड़ी आ रहे टहलो बता भैया यूट्यूब चैनल पर लोग देखने आए थे बता चलने दे कट मार लेंगे बाद में चलो। तो भाई हाँ मैं बताऊँ था रोजमर्रा की जो जरूरत है उसकी बात कराओ तो नवोदय की मैं बात कर रहा था भाई। नवोदय में मतलब जो हीरे बैठे हैं कितने कितने ड्यूटी है भाई पूरा बात में कितने भी तो एक कॉल मैं करूँगा। मेरे तरह समस्या आ रही थी एक बहन जी है उन्होंने कहा बोला जी मैं नाम नाम तो को नहीं बताऊँ और लेकिन अपनी समस्या जरूर वो अपनी पीड़ा व्यक्त करेगी तो अपना जो चैनल है बहुत भाई देखने लग रहे हैं भाई हम जो समस्या है वही लेकर आए हैं इस टाइम ताकि उन पर सरकार तक आप काम शेयर कर दे रही हो गले गले भाई ताकि उन समस्या पर सरकार ध्यान दे और उनका सोल्यूशन निकाले। नू है भाई ठीक है एक बात भाई कोरोना वायरस की चपेट में बचना है तो अपन है मतलब जो लॉकडाउन है उसका पालना करनी है लेकिन उसके गले गले जो समस्या होंगी उनका भी समाधान करना तो एक कॉल कर लिया अपन एक बहन जी है उन कॉल कर लिया कर लिया आवाज है जी से हाँ बहन जी राम राम। संसार क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है मार्गदर्शन राम राम कर दीजिए। बहन जी बताओ नवोदय से रिलेटेड समस्या मैं बता रहा था दर्शकों से क्या समस्या है बताओ आप जेन्युइन समस्या है तो बताओ अपने मतलब चैनल के माध्यम से सरकार तक बताओ क्या संदेश देना चाहो। हाँ टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ है मतलब हाँ जी हाँ कम टाइम में बताओ। हाँ जी हाँ लेकिन तो कोई बात नहीं
और जबकि लॉकडाउन में यहाँ भी कही गई है भी सारे अपने अपने घर रहो। अच्छा अच्छा कोरोना तो बचेंगे उनको ना कोई समस्या आएगी तो दिक्कत है इसके। चलो आप मतलब अपनी खासकर जब प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें कोई अपील करना चाहो तो कर दो आप। मैं तो जी मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि हमारा जो मेरा घर वाला बैठा है ना जी, हाँ वो बैठा है पंजाब बॉर्डर का सील कर रखा है ना, तो हम उन्हें पर्सनल गाड़ी लेकर ले आ सकते। जब हम पंजाब बॉर्डर का है को जाना पड़ेगा और स्टेशन में बैठा है जी जम्मू कश्मीर में। अच्छा बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो उठ जाए। हाँ जिन मतलब आप कहना चाहो जिन जनवर में दिक्कत है और लॉकडाउन लागू हो रहा है तो उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार लेवा, चाहे इसमें चेकअप कर लो पहले अभी कोरोना ना हो कोई कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है चलो चलो बहन जी आपकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं ये अलग अलग शेयर भी करने लग रहे हैं और लाइव जो जुड़ रहे हैं तभी कहूँ भाई अलग अलग शेयर करते रहो ताकि इस ढाल की जो जैनवन समस्या है, ठीक है कोरोना तो हम सारे मिलकर लड़ांगे, इस ढाल की जो जैनवन समस्या है तो उसमें मिल हाँ जी हाँ अच्छा बिल्कुल चलो मैं समझ गया आपने कहना चाहो एक तरफ तो कोरोना तो लड़ने की बात है एक तरफ जानबूझकर जान जोखिम में डाली जा रही है। चलो हमारी भी अपील है भाई सरकार तक केंद्र सरकार तक भी और गिला गिला प्रदेश सरकार तक भी क्योंकि हमने कल टोल प्लाजा पे भी हमारी इस बात पे भिड़ंत हुई थी भाई आप लोग बेफजूल में जो लॉकडाउन का जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब तो आप टोल लेने लग रहे हो। तो ये डाल की गिला गिला है बहन जी ने अपने को समस्या बताई थी जो इनके हस्बैंड है वो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं और उसके बावजूद भी चेकअप के बाद और उनको घर आने की कोई मतलब सरकार तक अपील कर रहे हैं भाई इस तरह की फैसिलिटी दी जावे। चलो जी मैं आपकी बात हमारे दर्शकों के माध्यम से सरकार तक जरूर पहुंच गई होगी और पूरी पूरी हमारी मतलब सरकार तक भी अपील है भाई एडवाइजरी जारी करी जावे इस रिलेटेड भाई खासकर जो लॉकडाउन के चक्कर में दूर बैठे हैं उनको घर तक पहुंचाया जावे तो कम से कम वो घर रहकर अपने बच्चे के लिए टाइम बिता लेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है बाहर रह के तो कैमरा बच्चा घर तो अपना सुरक्षित रह जाएंगे लॉकडाउन में कहे नु गया है भैया अपने अपने घर बैठो जाकर। चलो जी चलो चलो ठीक है बहन जी धन्यवाद आपकी बात अपने रखी और आपके माध्यम से बहुत से और भी इसे ढाल की जैनवन समस्या में उनके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के साथ जुड़े आप। राम राम। चलो जी देखो ये डाल की जैनवन समस्या है भाई इन यू तो एक एग्जाम्पल है इसे डाल के जो मतलब जब पूरा उसमें ओवरऑल आप देखेंगे तो इस डाल की समस्या में हीरे हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं तो यह समस्या लेकर आधा इन्हें जिला के शेयर कर दो भाई।